पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू सिंह मूसेवाला की जान लेने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मूसेवाला पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर थे। वहीं कनाडा से गैंग चला रहा गोल्डी बराड, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी है, उसने सिद्धू की जान लेने की जिम्मेदारी ली है। मूसेवाला की जिस तरह से जान ली गई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने टारगेट करके वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने से पहले हमलावरों ने पहले पुख्ता रेकी की थी। हमलावरों को पता था सिद्धू बुलेट प्रूफ गाड़ी से ना आकर थार में आ रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि हमले में रशियन हथियार का इस्तेमाल किया गया है। जांच में यह भी पता चला है कि इस वारदात में 7 हमलावर शामिल थे, जिसमें से 6 ने गाड़ी को कवर किया था, वहीं 1 ने सीधे सिद्धू पर गोलियों की बरसात की थी। सूत्रों की माने तो बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सिद्धू मूसेवाला सपोर्ट कर रहे थे, इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे। पंजाब पुलिस भी इस एंगल से इनकार नहीं कर पा रही है। बता दें कि 8 अगस्त 2021 को मोहाली में दिन दहाड़े बिक्की मिद्दू खेड़ा की जान ली गई थी। बिक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी था। हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर सगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो भारत से फरार होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पंजाब पुलिस ने सिद्धू के मैनेजर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। अगस्त 2021 में मोहाली में बिक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू पर हमले की फिराक में था। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसके गैंग में 700 शूटर हैं, जो कनाडा समेत विदेशों में मौजूद हैं। कनाडा में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी बरार का दावा है कि बिक्की मिद्दू खेड़ा के अलावा उसके भाई गुरुलाल बरार की जान लेने के पीछे भी सिद्धू मूसेवाला था। अपने रसूख के दम पर सिद्धू बच गया था। बता दें कि मूसेवाला पर पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गांव के पास फायरिंग हुई थी। हमलावरों ने उनकी थार जीप पर 12 राउंड फायरिंग की थी। घटना में मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं 2 साथी जख्मी हो गए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस पर पंजाब DGP VK भावरा ने बड़ी जानकारी सार्वजनिक की है। उन्होंने कहा कि मूसेवाला की सुरक्षा पूरी तरह हटाई नहीं गई थी। उनके पास 4 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा थी, जिसमें से 2 कमांडो हटाए गए थे। घटना वाले दिन वे अपने साथ 2 कमांडो लेकर नहीं गए। इसके अलावा ना ही वो अपने पास मौजूद बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर निकले। DGP ने बताया कि इस हमले की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। मूसेवाला कांड में खालिस्तानी गिरोह के बाद अब प्रतिबंधित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ की एंट्री हो गई है। इस संगठन ने पंजाबी गायकों को चेतावनी दी है कि वे इस संगठन से जुड़ जाएं। अगर नहीं जुड़े तो अगली गोली पर उनका नाम लिखा हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।